तो जैसे कि गैस हमें पोकेमोन वर्ल्ड्स एंड पोकेमोन जर्नी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैं बोलूँ कि आज से हम लोग एक नई पोकेमोन सीरीज चालू करने वाले हैं जिसका नाम है पोकेमोन एंड द आरसीस। ठीक है, जहाँ पे अपना जो कैरेक्टर है वो रात को सो रहा था एंड उसके सपने में एक अननोन एंटिटी यानी अननोन पोकेमोन आया और पता नहीं भाई उसने हमारे पोकेमोन पता नहीं क्या ही कर दिया हमारे फोन को, जहाँ पे वो चमक रहा था एंड जिसको हमारे कैरेक्टर ने जैसे छुआ तो वो एक अलग डायमेंशन में जा चुका था। जी हाँ गाइस, एक अलग डायमेंशन जिसको कह सकते हो आप एक खूबसूरत सा पोकेमोन वर्ल्ड। जी हाँ, एक खूबसूरत सा पोकेमोन। फिर वहां पे जाके हमारा जो कैरेक्टर है वो बेचारा मतलब अनकॉन्शियस हो गया था एंड वहां से मुझे आवाज आने लगी थी जिसका नाम था वेक अप। ओ डू यू रियली वेक अप। एंड जैसे कि मैं उठा वहां पे मुझे तीन अलग पोकेमोन देखने को मिले एंड वहां से अजीबो आवाज आ रही थी लाइक आर यू अलाइव। तो जैसे कि मैंने मेरा मुंह ऊपर किया तो वहां पे मुझे एक अजीब सा एक प्रोफेसर देखने को मिला जहां पे मैं उससे बात करना चालू कर दिया था एंड मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रहा था क्योंकि भाई मैं अपने घर पे था एंड अचानक से उठा तो मैं इस डायमेंशन में आ चुका था। फिर ये थोड़ी बहुत हमारी हुई लाइक बोल रहा था कि भाई तू ठीक है या नहीं क्योंकि मैं काफी ऊंचाई से गिरा था। ठीक है, फिर ये बोल रहा था भाई मैं खुद शॉक हूँ भाई तू इतनी ऊंचाई से गिरा है और तू ठीक कैसे है। मैं थोड़ी आगे बात करने ही जा रहा था तो बेचारे वो जो प्रोफेसर है उनके तीनों पोकेमोन भाग चुके थे तो इसने मुझसे हेल्प मांगी कि भाई मैं उसकी हेल्प करूँ ये तीन पोकेमोन को पकड़ने में बिकॉज वो जितनी बार भी पकड़ रहा था वो तीनों तीन पोकेमोन पोकेबॉल से बाहर भाग जा रहे थे। फिर मैं गया भाई उस प्रोफेसर की हेल्प करने बट हाँ मैं बता दूं मैं गिरा हूँ वो वॉल्केनो ऊपर से क्लाउड में और देखने जाए तो यार ये वर्ल्ड काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और ग्राफिक्स बोले तो भाई तगड़े ग्राफिक्स है। ठीक है, तो बस देखो यार मैं वहां से ऊपर से घिरा था नीचे और पता नहीं वहां इतने दूर यहाँ कैसे आ गया। फिर गाइस मैं जैसे तैसे भागते गया अपने प्रोफेसर के पास और यहाँ पे मेरे को एक अजीब सी चमकती हुई चीज देखने को मिली। मतलब काफी अजीब सा था यार ये और मैं जैसे ही उसके पास गया तो मैंने उसको इन्वेस्टिगेट किया लाइक और ये देखने को तो ऐसा ही लग रहा था ये मेरा फोन था बट पता नहीं वो अननोन एंटिटी ने इसको क्या ही बना दिया। और मैंने जैसे ही इसको हाथ में लिया तो ये अजीबो आवाज कर रहा था और इसने मेरे को एक मिशन दिया था जो कि था मुझे हर एक पोकेमोन को इन्वेस्टिगेट करना है और अपने पोकेडेक्स के अंदर उसको डालना है लाइक स्नीक आउट एवरी पोकेमोन्स। ये काफी ज्यादा आसान नहीं होने वाला है तो वीडियो के लास्ट तक ही आप लोगों को पता चलने वाला है कि हमारे अगले मिशंस क्या हैं। फिर गाइस जैसे तैसे हम लोग अपने प्रोफेसर के पास पहुँचे लाइक या उसकी हेल्प करनी थी हमें। ठीक है, तो ही हमें पता चलने वाला है इस वर्ल्ड के बारे में और भी ज़्यादा। ठीक है, तो फिर हम लोग गए उस प्रोफेसर चाचा के पास और ये भाई काफ़ी दुखी लग रहा था लाइक बेचारा यार ऐसा लग रहा था जिससे छोटे बच्चे की लॉलीपॉप छीन ली उसके हाथ में से। ठीक है, फिर बस यही बात हुई आई एम ग्लैड यू केम टू माई रेस्क्यू आई एम ट्राइड कैचिंग इन माई लिटल बॉल्स देयर इज वे बट आई एम नॉट द बेस्ट। ठीक है, तो मतलब इसने काफ़ी तरीके ट्राई आजमा लिए पोकेबॉल डाल के पर ये बोल रहा है भाई मैं खास नहीं हूँ मैं नहीं पकड़ पा रहा इन पोकेमोन को तो मैं तुझे पोकेबॉल्स दे रहा हूँ उनको जाके पकड़। ये है भाई अपना ग्रास टाइप पोकेमोन जैसे कि आप लोग देख लो भाई। ठीक है, और ये प्रोफेसर का नाम है लेवेंटॉन भाई काफी अजीब नाम है लेवेंटॉन। ठीक है भाई ओके, तो ये पोकेमोन भी हमें पकड़ना है। फिर ये स्विंडक्विल जो कि फायर टाइप पोकेमोन है ठीक है इसको भी पकड़ना है और ये बोल रहा है कि भाई ये जो पोकेमोन है तीनों तीन भाई ये स्टार्टर पोकेमोन से जो कि नए ट्रेनर्स को देता है। ठीक है, और ये काफी मस्ती खो रहा है भाई भाग जाते हैं पोकेमोन में से और इन्हें वही पकड़ सकता है जो मतलब कुछ उसके अंदर स्पेशल हो और वो एकदम एक्सपर्ट हो बॉल थ्रो में। तो भाई मैं तो जस्ट अभी आया हूँ मुझे तो पता ही नहीं है बट लेट्स ट्राई गाइस। तो पोकेबॉल हमें ये लेवेंटन जो प्रोफेसर है ये देने वाला है जिसके थ्रू हम लोग हमारे जो पोकेबॉल्स है ये जो पोकेमॉन्स है इसको पकड़ के देंगे। तो गाइस ये एक्चुअली में मैं देखने जाऊँ तो ये नॉर्मल पोकेबॉल तो नहीं लग रहा, ये एक्चुअली लग रहा है मेरे को एशियन पोकेबॉल। सीरियसली अगर आप लोग इसकी बनावट देखो तो ये एशियन पोकेबॉल ही देखने को लग रहा है। ठीक है, तो बस गाइस फिर ऐसे करके मैंने 50 पोकेबॉल मेरे को अपने लेवेंटन से मिल चुके थे एंड अब मेरा काम यही था कि मेरे को ये सारे जो तीनों तीन पोकेमोन है इसको पकड़ के देना है। तो लेट्स ट्राई देखते हैं। तो भाई ये पहला सेंडिक्विल हम लोग ने पहले ही थ्रो के अंदर हम लोग ने तो पकड़ लिया था एंड सेंडिक्विल देखने जाए तो यार थोड़ा अच्छा पोकेमोन था, फर्स्ट थ्रो के अंदर ही आ गया। सेकेंड ऑशोबॉट था जो कि हाँ ऑशोबॉट के अंदर थोड़ा मेरे को टाइम लगा था, थ्रोइंग काफ़ी ज़्यादा जा चुकी थी बट हाँ एट दी एंड हमारा ऑशोबॉट भी आ चुका था। तो गाइस अब जो फाइनल जो रह रहा था वो था ये वाला
अब इसका नाम मेरे को याद नहीं है, अगर कमेंट सेक्शन के अंदर आपको पता हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो गाइस जैसे कि मैंने सोचा था ये फर्स्ट थ्रो के अंदर नहीं आने वाला, और ये मेरे को बोल रहा था कि हर पोकेबॉल थ्रो के अंदर 100% कैचिंग रेट नहीं आता, तो आपको नेक्स्ट टाइम दोबारा ट्राई करना पड़ेगा। एंड गेस व्हाट गाइस, सेकंड थ्रो के अंदर हम लोग ने उसे पकड़ लिया था, एंड भाई वो करने के बाद हमारा जो लेवेंटन जो प्रोफेसर था वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका था। एंड उसके बाद उसने मुझे इन्वाइट किया उसके विलेज के अंदर जहाँ पे वो उसका घर है, एंड पता नहीं क्यों बट ये बोल रहा है कि भाई तू हमारी एक टीम है उसको ज्वाइन कर ले जिसका नाम है गैलेक्सी टीम, ठीक है, जो कि इन्वेस्टिगेट कर रही है कि भाई क्यों और कैसे दूसरे मतलब जो वर्ल्ड के बंदे हैं वो इस वर्ल्ड में आ रहे हैं, ऐसा तो क्या ही हो गया और ऐसा कौन सा पोर्टल ओपन हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद ये जो प्रोफेसर है वो मुझे बोलता है कि भाई तू मेरा मतलब पीछा कर हमारे विलेज तक, वहाँ पे ले जाके तेरे को मैं बताऊँगा और मिलवा दूंगा उनके कैप्टन से जहाँ से तू बात उनसे कर पाएगा। तो गाइस ये है एक पोर्टल, लाइक ये पोर्टल बन चुका है जहाँ से ओवरवर्ल्डर्स को वो इस डायमेंशन में लेके आ रहा है, ठीक है, लाइक एक टाइप ऑफ इशिकाई बन चुका है ये, ठीक है, लाइक दूसरे वर्ल्ड के लोगों को यहाँ पे ला रहा है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं ये विलेज के अंदर, और यहाँ पे इसने बोला है कि यार मैं यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है उनसे बात कर लेता हूँ जिसके थ्रू वो तेरे को सेफली अंदर आने देंगे, और इनफैक्ट वो तेरी सेफ्टी के लिए जब भी तेरे को काम होगा तब भी वो आ जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे हमारी इंट्रोडक्शन हो चुकी है गार्ड साहब से, ठीक है, दैट मीन्स अब वो मेरे को अंदर जाने देंगे बिकॉज यहाँ पे काफ़ी मेरे से पहले लोग आ चुके हैं जो कि कैपेबल इनफ नहीं थे, एंड उन लोग ने काफ़ी दंगे फसाद कर दिए थे इस विलेज के अंदर, इसके लिए यहाँ पे इसको सेफ रखने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स भी आ चुके हैं, एंड यहाँ पे गैलेक्सी एक टीम बन चुकी है जो कि इन सब चीज़ों को लुकआउट करती है। तो बस फिर भाई ग्राफिक्स तो यार देखने नहीं पड़ते भाई पोकेमॉन गेम्स के। और तो बस गाइस अब हम लोग को कुछ ज़्यादा नहीं करना है, यहाँ पे जो हमारे भैया है लेवेंटन भैया इनका मतलब जो प्रोफेसर है इनका पीछा करना है, एंड या फिर हमें घूमना है, और ये देखो जैसे कि मैंने बोला था गैलेक्सी एक्सपेडिशन टीम, ठीक है, तो अब बस ऐसे ही घूमना है। और भाई काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ें क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ के विलेजर मुझसे, ठीक है। तो भाई अब मेरे को प्रोफेसर ने बोला कि यहाँ पे जो कैंटीन है वहाँ पे जाके तू खा ले खाना, मैं तब तक जो टीम कैप्टन है गैलेक्सी का उसको लेकर आ। तो भाई यहाँ पे बोल रहा है वेल नो आरंट यू फुल स्पीशीज, भाई ओए क्या बोल रहा है ये, द वर्ल्ड फॉर द गैलेक्सी फ्लोक्स ओनली, वी डोंट हैव सीट्स फॉर आउटसाइडर्स, भाई दैट मींस भाई ये आउटसाइडर्स को खाना नहीं देते। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे मैंने बात कंप्लीट करी और भाई बहुत पता नहीं यार बहुत बुरा लगा, बट यहाँ पे पता नहीं ये कौन आ रहा है पीछे से मेरे, हु आर यू, आई नेवर सीन एनीवन ड्रेस्ड लाइक यू, व्हाट इफ यू आर अटैक्ड बाय अ पोकेमॉन, भाई ये मेरा इतना ध्यान क्यों रखती है भाई। ओके इफ द गार्ड लेट यू इन थ्रू यू मस्ट बी टाइड्स विद समवन, हाँ भाई मैं लेवेंटन भैया जो है उनके साथ आया हूँ, मेट प्रोफेसर लेवेंटन है, ओके तो लो भाई जैसे नाम लिया शैतान हाजिर, तो भाई ओके ये लड़की नाम आकर है, ओके तो लेवेंटन बट एवरीथिंग विल बी क्वाइट ऑल राइट, केयर गेमिंग इज, हाँ भाई मैंने एग्री कर दिया है कि मैं इनकी हेल्प करूँगा, ठीक है। तो भाई अब ये थोड़ा झगड़ा हो गया इनका कि भाई तुम कैसे किसी को भी सर्वर टीम के अंदर ले सकते हो, एक्स वाई जेड तुमने कैप्टन से बात नहीं की है, तो भाई लो भाई कैप्टन का नाम लिया कैप्टन हासन, ये रे वो कैप्टन, अज्यूमिंग द इंडिविजुअल कैन कंट्रीब्यूट टू द सर्वे क्रॉप्स, आई एम द कैप्टन ऑफ द गैलेक्सी टीम सर्वे क्रॉप्स, यू मे कॉल मी कैलेलिन, ओके कैलेलिन नाम है, ठीक है। तो गाइस अब यहाँ पे थोड़ा कैलेलिन जो है उनसे बात करनी पड़ेगी क्योंकि वही हमें बताने वाली है कि लाइक हमें करना क्या होगा और क्या नहीं करना होगा अगर मुझे इस विलेज के अंदर रहना है तो, क्योंकि यहाँ पे रहने के लिए भाई कुछ चीज़ें की टेस्ट देनी पड़ती है, इनफैक्ट यहाँ पे रहने के लिए भाई थोड़ा पैसा वैसा भी चाहिए तो ही हम लोग यहाँ पे आराम से रह पाएंगे, और इनफैक्ट अगर मैं इनके यूज़फुल नहीं रहा तो ये मेरे को निकाल भी सकते हैं इस विलेज से। तो बस गाइस अभी तो मैं इस विलेज के अंदर विद द हेल्प ऑफ लेवेंटन भाई के आया हूँ, बट अब मेरे को यहाँ पे रहना होगा तो मुझे इनकी कुछ टेस्ट है वो मुझे क्लियर आउट करनी पड़ेगी, एंड इनफैक्ट मुझे अगर यहाँ पे रहना है तो मुझे इनकी जो गैलेक्सी एक्सपेडिशन टीम है वो भी ज्वाइन आउट करना पड़ेगा, तो ही मुझे अपने जवाब मतलब सवालों के जवाब मिलेंगे जो कि है भाई मैं इस वर्ल्ड में क्यों आया, इनफैक्ट मुझे क्यों ऐसा मिशन मिला कि लाइक मुझे हर एक पोकेमॉन पकड़ना है और हर एक पोकेमॉन को देखना है, ठीक है, लाइक उनके बारे में डिटेल्स निकाल, ठीक है, तो वो ऐसा मुझे ही क्यों चुना गया है और मैं ही एक ऐसा बंदा क्यों हूँ कि मैं एक साथ 3 या 4 पोकेमॉन एक साथ पकड़ पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे जितना भी पता चला है कि जितने भी ओवरवर्ल्डर्स आए थे वो एक साथ 3-4 पोकेमॉन नहीं पकड़ पा रहे थे ना ही उन्हें रख पा रहे थे। तो भाई यह देखते हैं फिर, देखो अकुरा भी वही बोल रही है राफ्ट इन द स्काई पीपल फॉलिंग फ्रॉम द वर्ल्ड आउटसाइड, देखा जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया था। तो गाइस यहाँ पे मुझे एक घर अलोकेट हुआ है जहाँ पे मुझे रहना है,
एंड उसके बाद नेक्स्ट डे जो होगा वहाँ पे मेरी टेस्ट होने वाली है, जहाँ पे मुझे पोकेमॉन्स पकड़ने हैं जो कि मुझे बोले जाएंगे, ठीक है। तो गाइस अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है यार, मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग हुई नहीं है, मेरे को एक्चुअली सुना है, एंड यार नेक्स्ट मॉर्निंग होके मैं अकुरा से मिलने गया एंड इसने बोला कि भाई जो कैप्टन है वो मेरे लिए वेट कर रही है और वो है आउटसाइड द विलेज। मतलब पहले तो मुझे कैप्टन से मिलना है, कैप्टन से मुझे टास्क लेना है, कैप्टन से टास्क लेने के बाद मुझे जाना है आउटसाइड द विलेज, मतलब एक्सपेडिशन कैंप की साइड, जहाँ पे मुझे पोकेमॉन्स पकड़ने हैं और वहाँ पे मेरे को हेल्प करेंगे लेवेंटेन और अकुरा, ठीक है। एंड अकुरा इज अ वेल नोन पर्सन हियर, तो इसके लिए वो मेरे को हेल्प करने वाली है। ओके तो यहाँ पे कैप्टन बोले इफ यू विश नो ओके वगैरह वगैरह फेल स्टार्ट्स नो वन इन द गैलेक्सी टीम हैज द करेज और डिड स्ट्रेंजर्स रन इनफ हिम ओके ओके गाइस। तो यहाँ पे सारी हमारी ए टू सेट बातें चल रही है एंड यार ये बोल रहे कि भाई एज यूजुअल यहाँ पे जितने भी बंदे आए हुए आउटसाइडर्स उनकी इतनी ताकत है नहीं जो एक साथ तीन या चार पोकेमॉन पकड़ पाए, एंड जितनी बार भी वो हुआ है उसके अंदर से एक या दो पोकेमॉन गायब हो चुके हैं एंड या तो वो पोकेमॉन कंट्रोल में नहीं रहते या तो वो पोकेमॉन ट्रेनर्स के ऊपर हमला कर देते हैं। या लेट्स सी गाइस कि हम लोग तीन एक साथ पकड़ पाएंगे या नहीं पकड़ पाएंगे, बट जाने से पहले यहाँ पे मेरे को पोकेमॉन सेलेक्ट करना पड़ेगा जो कि मैंने पोकेमॉन वाले जो अपने लेवेंटर में लिया है वही हमें देने वाला है। जैसे कि मैंने बोला था कि ये हमारे जो जितने भी पोकेमॉन है ये सब स्टार्टअप पोकेमॉन है, तो यहाँ पे मैं ट्राई करने वाला हूँ ओशो वॉर्ड को, क्योंकि गाइस एज यू नो मैं इससे पहले भी एक और वीडियो डाल चुका हूँ जो कि है स्कारलेट एंड वायलेट, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी लीफ टाइप पोकेमॉन ले चुका हूँ। फायर टाइप मैं काफी यूज करता हूँ, तो इस बार मैं यहाँ पे जो लेजेंड ऑफ आर्केस है इसके अंदर मैं लेने वाला ओशो वॉर्ड को जो कि है वाटर टाइप पोकेमॉन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को हमारा पोकेमॉन मिल चुका है एंड ये पोकेमॉन लेके मुझे जाना पड़ेगा एक्सपेडिशन साइट पे, जहाँ पे हाँ हमें दूसरे टाइप के पोकेमॉन्स भी पकड़ना है। तो वहाँ जाने से पहले मेरे को जो अकुरा है उससे मेरे को मिलना पड़ेगा विलेज गेट की साइड, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि वहाँ पे एक ट्रेनर है जो कि तुझे चैलेंज करना चाहता है, एज यू आर द स्ट्रेंजर वो तेरी पावर देखना चाहता है। तो लेट्स चेक गाइस कि वो कौन है। भाई ये कुछ ज़्यादा ही कार्टून वाला बंदा नहीं लग रहा है क्या भाई, ये काफ़ी अजीब लग रहा है यार ये। ओके तो व्हाट अ क्यूरियस गेम यू हैव देयर, आई कैन ऑलरेडी टेल यू आर क्वाइट द कैरेक्टर, भाई ओ कैरेक्टर तू लग रहा है अजीब सा। ओके तो गाइस इसका नाम है वॉलो, अजीब नाम है। तो ये बोल रहा है कि चल आजा भाई लड़ाई करते हैं, देखते हैं कौन जीतता है, अगर तू जीतता है तो यहाँ से बाहर जा पाएगा, अदरवाइज नहीं जीतता है तो तेरे को यहाँ से विलेज से बाहर निकाल देंगे। तो लेट्स चेक गाइस। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो भाई आई डोंट नो इसके पास कौन सा पोकेमॉन होने वाला है क्योंकि रैंडम बंदा है। ओके गाइस तो इसके पास टोकेपी है, तो या मैं यहाँ पे हेडबस करता हूँ एंड या ऐसे ही हमारी फाइट चलती रहती है, बट भाई तुम्हारा एज यूजल तुम्हारा भाई स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो मैंने भाई इसको जैसे जैसे हरा दिया एंड यहाँ पे हमारा ऑशोपोर्ट का जो लेवल है वो इंक्रीज हो चुका था एंड इसको एक नया मूव मिल चुका था जिसका नाम था बाइट, ठीक है, मतलब बाइट कर सकता हूँ मैं इसको। ओके तो गाइस यहाँ पे ये बंदा जो है वो इंप्रेस हो चुका है, उसने बोला कि चल भाई मैं तेरे को ले जाता हूँ एक्सपेडिशन साइट पे, और जहाँ पे भाई हमारे प्रोफेसर लेमेंटन है वो भी आ चुके हैं। तो इसने बोला था कि हाँ भाई यहाँ पे कैप्टन आने वाली है, बट कैप्टन बोलिए मतलब कैप्टन ने बोला लेमेंटन को कि भाई मैं नहीं आ सकती, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है फेलियर को देखने के लिए, तो यहाँ भाई अब मुझे इंप्रेस करना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। तो गाइस अब यहाँ पे मुझे पीछा करना पड़ेगा हमारी जो अकुरा है उसका, क्योंकि वही हमें बताने वाली है कि हमें कौन से टाइप के पोकेमॉन और कहाँ से पकड़ना है, क्योंकि मुझे बोला गया है कि मुझे तीन अलग टाइप के पोकेमॉन पकड़ना। तो लेट्स चेक भाई कि यहाँ पे कौन से टाइप के पोकेमॉन हमें मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग आए, इसका नाम है हिल, मतलब नाम देख लेते भाई इसका क्या ही नाम है, बाकी जगह तो भाई काफी ज्यादा खूबसूरत है। ओके तो ओसिडन फील्ड लैंड, ओसिडन फील्ड लैंड। तो ओके गाइस तो मुझे पहला पोकेमॉन पकड़ने का बोल दिया गया है जिसका नाम है बुफ्रीगो, ठीक है, जो कि आई थिंक सो ग्रैंड टाइप या तो नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है। तो भाई चलो भाई इसे पकड़ते हैं। द की इज टू एम द केयरफुली नॉट द सीम्स, ओके ठीक है। तो इसने मुझे बोला है कि भाई पोकेमॉन अगर अच्छे से पकड़ने हैं तो तुझे पोकेबॉल जो है वो करेक्ट एंड अच्छे ऑर्डर में डालने पड़ेंगे, ठीक है गाइस। तो लेट्स गो भाई, हमारे पास पोकेबॉल तो है भाई लाइक समवेयर अराउंड 32-34 पोकेबॉल्स हैं, तो लेट्स चेक भाई डालते हैं, भाई पहली बारी में आ जाएगा या नहीं आएगा, लेट्स चेक। ओके गाइस तो फर्स्ट टाइम डालते हुए हमारे पास जो हमारा फर्स्ट पोकेमॉन है वो आ चुका है एंड सेकंड पोकेमॉन के लिए मुझे वापस जाना पड़ेगा उसको फॉलो करने के लिए, और यहाँ पे मुझे बोला है कि ये है फ्लाइंग टाइप। ओ भाई स्टारली, डैम भाई ये पोकेमॉन काफी गजब है भाई, स्टारली स्टारपिया स्टार पता नहीं क्या ही था, तो मेरे को यहाँ पे आई थिंक सो क्राउच करके जाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं इसे पकड़ पाऊंगा, क्योंकि मुझे बोला गया कि मैं ये पोकेमॉन के जितने पास जाऊंगा तो ही मेरे चांसेस बढ़ेंगे, अदरवाइज अगर दूर से डालने की कोशिश करूंगा और उसने मुझे देख लिया तो ये उड़ भी सकता है। तो बस यहाँ से इतने दूर से मैं मारने वाला हूँ, लेट्स सी भाई आता है या नहीं आता।
ओके तो गाइस पोकेबॉल तो करेक्ट ऑर्डर में जा चुका है, लेट्स चेक आ जाए तो अच्छी बात है। ओके गाइस एज यूजुअल तुम्हारा भाई काफी तगड़ा है, एक ही बार में वो पोकेमॉन भी आ चुका है। तो अब यहाँ पे मुझे बोला गया है कि भाई यहाँ पे दूसरा वीपी है जिसके थ्रू तुम्हारे पोकेमॉन को आप लोग यूज कर सकते हो फॉर गैदरिंग बेरीज वगैरह। तो मेरे को बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे एक पेड़ है जिसको तू करेक्ट ऑर्डर में एम कर और जिसके थ्रू तू पोकेमॉन को वहाँ पे फेंकेगा और तेरे पोकेमॉन जो है वहाँ से रिसोर्स कलेक्ट करके लाके तुझे देंगे। तो या लेट्स थ्रो गाइस, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 3 पोकेमॉन्स हो चुके हैं और इनके हिसाब से हम लोग ऑलरेडी लेजेंडरी ट्रेनर बन चुके हैं क्योंकि यहाँ पे काफी कम ट्रेनर्स हैं जो एक साथ 3 पोकेमॉन को हैंडल कर पाए। तो यहाँ पे गाइस हमारे रिसोर्सेज हमें मिल चुके हैं और अब यहाँ पे मुझे बोला जाएगा देखते तीसरे पोकेमॉन के लिए। ओके तो देयर इज शिनिक्स। ओके तो ये रहा भाई, और भाई देखने से ये थोड़ा एग्रेसिव टाइप पोकेमॉन लग रहा है। सिनेक्स हैज अ एग्रेसिव डिस्पोजिशन, कुड यू ऑलरेडी टेल दैट? या भाई मैं ऑलरेडी बता सकता हूँ यार, ये थोड़ा एग्रेसिव है। तो भाई मुझे बोला जाएगा कि मतलब अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारा जो पोकेमॉन है यहाँ पे मेरे को पहले से फाइट करना पड़ेगा। एंड गाइस जैसे तैसे करते करते मैं उसको एकदम रेड हेल्थ पे लेके आ चुका हूँ, बट यहाँ पे मैं जितने बार भी पोकेबॉल उसके ऊपर फेंक रहा हूँ वो बंदा पोकेबॉल से बाहर आए जा रहा है, वो पकड़ में आ ही नहीं रहा है। एंड यहीं इन द एंड भाई यहाँ पे हमारा ऑशो बॉर्ड भी मतलब फेड आउट हो चुका था एंड मैंने अपना पोकेबॉल मतलब पोकेमॉन चेंज किया जो कि था मतलब 4G कॉर्ड के अंदर, पर मैं उसे मारने वाला नहीं था, यहाँ पे मैं अपने पोकेबॉल्स को ही थ्रो आउट करने वाला था। एंड इन द एंड यहाँ पे गाइस हमारे ऑलमोस्ट 5 to 6 पोकेबॉल मैं थ्रो आउट कर चुका हूँ। उसके बाद जो सिनेक्स है वो हमारे पास आ चुका है जो कि एग्रेसिव टाइप पोकेमॉन था और आप जानते हो ये है इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन। एंड यहाँ पे हमारी जो क्वेस्ट थी वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है एंड अब मुझे जाना पड़ेगा वापस हमारे कैप्टन के पास, मतलब लेफ्टिनेंट के पास, वो मिलके ही फिर वो कैप्टन के पास ले जाएगा क्योंकि उन्होंने ही हमें क्वेस्ट दिया था। तो या गाइस लेट्स गो, और आई थिंक सो यार होप करता हूँ कि ये जो क्वेस्ट है ये कंप्लीट होने के बाद मैं गैलेक्सी टीम को ज्वाइन कर पाऊँ, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगा। ओके गाइस तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव पास योर ट्रायल्स, यू कैन होल्ड ऑन द दैट शटल्स। ओके आई मस्ट एडमिट यू आर इम्प्रेस्ड मी। ओके आई सेट अ हाई हर्डल्स टू जज स्ट्रेंजर्स लाइक योरसेल्फ कुड बी वर्डली, बट ओके दिस इज योर द ऑफिशियल यूनिफॉर्म। ओके गाइस तो यहाँ पे हमें फाइनली यूनिफॉर्म मिल चुका है जो कि अब मुझे पहने रखना पड़ेगा अगर मुझे इस विलेज के अंदर रहना हो या घूमना हो तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे बोला गया है कि ये कैप्टन है, अब मुझे यूनिफॉर्म चेंज करना है एंड यूनिफॉर्म चेंज करने के बाद मुझे इनके कमांडर से मिलना है क्योंकि कमांडर खुद इंप्रेस हो चुका है एंड वो बोल रहा है भाई फटाफट ये स्ट्रेंजर को भेजो भाई, ऐसे तो कौन स्ट्रेंजर है जो एक साथ 3-4 पोकेमॉन हैंडल कर पा रहा है। तो यहाँ पे मुझे जो कैप्टन है उन्होंने एक गिफ्ट दी थी जो कि है एक टोपी। हाँ अरे भाई काफी तगड़ी लग रही है भाई, ये मेरे को फील दे रही है एकदम ग्रीन इंसान की भाई, सीरियसली भाई साहब क्या ही लग रहा हूँ भाई, लग रहा हूँ ना मतलब एक हीरो भाई। तो बस गाइस अब यहाँ से मुझे जाना है ऊपर वाले फ्लोर पे जहाँ पे हमारे कमांडर बैठे हैं और उनसे मुझे मिलना है एंड या कमांडर मुझे ऑफिशियली एक्सेप्ट करेंगे तो ही मैं ये टीम में रह सकता हूँ, अदरवाइज उन्होंने मुझे डिक्लाइन कर दिया तो मैं ये टीम में नहीं रह पाऊंगा। तो गाइस जैसे कि मैं कमांडर को मिला तो भाई वो मेरे को बोलने लगे कि भाई या भाई मैं काफ़ी इंप्रेस हो चुका हूँ तुझसे भाई, तू एक साथ 4-5 पोकेमॉन कैसे हैंडल कर पा रहा है। एंड इनफैक्ट उन्होंने बोला कि भाई तू तेरी स्ट्रेंथ बता भाई, तेरी स्ट्रेंथ क्या है, अगर तुझे गैलेक्सी स्ट्रीम में रहना है तो तुझे किस चीज़ से भी नहीं डरना है। तो भाई जैसे ही मैंने उसको मारा है ना यार, उसने मुझे उठा के पटक दिया भाई, पता नहीं यार मतलब क्यों पटक दिया भाई। यू गॉट सम फाइट, यू नीड टू वर्क, बट आई डू सी सम पोटेंशियल। ठीक है भाई, थैंक यू सर। अब देखते हैं भाई ये फाइनली मेरे को अपॉइंट करता है। डिड नॉट हैव बैक अ होम, वेलकम एवरीवन, नेचुरली सम विल बी स्लो डाउन टू ट्रस्ट एन आउटसाइडर, नेचुरली ओके सस्पिशियस वगैरह। ओके गाइस सो फाइनली बट यू हैव पास द ट्रायल दैट वाज पुट टू यू नो मैटर हाउ ऑड यू मे हैव। तो गाइस फाइनली मैं यहां पे अपॉइंट हो चुका हूं एंड या मैं गैलेक्सी टीम में आ चुका हूं। तो अब मुझे यहाँ पे नीचे मिलना था हमारे कैप्टन से, तो भाई क्योंकि कैप्टन से मेरे को कुछ चीज़ें देने वाली थी तो देखते भाई ये क्या देते हैं। तो भाई अब ये मेरे को रेटिंग्स के बारे में बता रहे हैं, अभी मैं हूँ नो स्टार रिक्रूट, दैट मीन्स अभी मेरा कोई लेवल है नहीं। तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं पोकेमॉन्स और हमारा जो पोके डाइस है मैं जैसे जैसे उसको फिल आउट करता जाऊँगा वैसे वैसे मुझे स्टार्स मिलते जाएंगे, ठीक है, लाइक 1 star 2 star 3 stars एंड ऐसे अलग अलग टाइप के स्टार्स हैं एंड जितना ज़्यादा मेरा रैंक उतने ज़्यादा मेरे बेनिफिट्स, ठीक है। तो भाई अब यहाँ पे मेरे को कुछ चीज़ें मिली है जो कि यहाँ पोकेबॉल्स यहाँ पे देखने को मिल चुके हैं, पोकेबॉल रेसिपीज देखने को मिल चुके हैं एंड यहाँ पे मुझे 3000 कैश दे चुके हैं जिसके थ्रू मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग्स पोकेबॉल्स वगैरह ले पाऊंगा। तो अब जो अकूरा है वो मुझे सिखाने वाली है कि मैं पोकेबॉल्स कैसे बना सकता हूँ अगर मुझे खरीदने नहीं है तो,
बट यहाँ गाइस आज की वीडियो हम लोग यहाँ रख करते हैं, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। एंड होप सो आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को मज़ा आया होगा। मज़ा तो गाइस प्लीज़ ड्रॉप लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड या इसका नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी जल्दी आने वाला है, उसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि या पोकेमॉन रेसिपीज़ के अंदर हम लोग पोकेमॉन्स कैसे मतलब पोकेबॉल्स कैसे बना पाएंगे। एंड इनफैक्ट देखते हैं कि कौन से नए पोकेमॉन्स हम लोग पकड़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक एंड रहने वाला 40 का होप से कंप्लीट जरूर कर दोगे। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर गाइस, टिल देन लव यू ऑल, सी यू, टाटा एंड या बाय बाय।